नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश करते के प्रमुख खबरों को। समलैंगिक विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज खत्म हो गई है, सुनवाई कल भी जारी रहेगी। समलैंगिक विवाह मामले में केंद्र ने एक नया हलफनामा दायर किया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पक्ष बनाने का आग्रह किया है। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। एक दिन पहले 7633 नए कोविड केस आए थे, लेकिन आज 10542 केस सामने आए हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट 4.39% पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में 240014 टेस्ट किए गए थे, वही 8175 लोग ठीक भी हुए हैं। अभी भी 98% से ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त लोग अस्पतालों में भी अधिक एडमिट हो रहे हैं। साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगने जा रहा है। इस साल वैशाख अमावस्या पर एक ही दिन में तीन तरह के सूर्य ग्रहण दिखेंगे, जैसे वैज्ञानिकों ने हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहा है। माना जाता है कि वैशाख अमावस्या के दिन पितरों के तर्पण बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वैशाखी अमावस्या के रूप में भी जाना जाता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया है। वही कई बॉलीवुड के सेलेब्स समलैंगिक विवाह के परे समर्थन में है। द कश्मीर फाइल्स डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने समलैंगिक विवाह का सपोर्ट किया। उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को एक शहरी अभिजाति अवधारणा बताए जाने पर में केंद्र सरकार के नोशन की आलोचना की है। फिल्म मेकर ने सेम सेक्स मैरिज के लिए कहा है कि ये एक जरूरत और अधिकार है, कोई क्राइम नहीं है। परिणीति जब से आप नेता राघव चड्ढा के साथ स्पॉट की गई है, तब से इनके अफेयर की चर्चा जोरों पर है। इनकी सगाई और शादी को लेकर लगातार कयास भी लगाए जा रहे हैं। हाल ही में प्रियंका अपने हस्बैंड निक जोनस के साथ इंडिया दौरे पर आई, तब भी ऐसी खबरें आई कि परिणीति राघव की एंगेजमेंट सेरेमनी में शामिल होंगी। अब परिणीति ने बिना राघव का नाम लिए ही अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि लोग उनकी पर्सनल लाइफ में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 18 अप्रैल 2023 को दिल्ली में स्ट्रीट फूड का जायका लेने पहुंचे। राहुल को देखने और उनसे मिलने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। इस अवसर पर राहुल गांधी ने दिल्ली के स्ट्रीट फूड के मजे लिए और लोगों से भेंट भी की। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की फोटोज वायरल हो रहे हैं। राहुल ने पहले बंगाली बाजार में गोलगप्पे खाए, फिर वहां पुराने दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने चटपटी चाट का लुत्फ उठाया। भारत में मेटा कर्मचारियों की छटनी आज से शुरू हो सकती है। भारत में सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी के कम से कम 2 कर्मचारियों ने इस बात के संकेत दिए हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों की रिपोर्ट से भी पता चलता है कि नौकरियों में कटौती का अगला दौर आज से शुरू होने की उम्मीद है। भारत सूडान में हिंसा की स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए, खासतौर पर ऐसी स्थिति में जब वहां भारतीय की सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं। हिंसा प्रभावित सूडान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत विभिन्न देशों में साथ निकटता से समन्वय कर रहा है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा है कि सूडान में क्वारंटाइन देश अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और हम उसी के अनुसार उसके साथ संपर्क कर रहे हैं। जाति जनगणना पर बड़ा फैसला सुनाते हुए पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 4 मई को की जाएगी। पटना हाईकोर्ट में जाति जनगणना के विरोध में लगभग आधे दर्जन से अधिक याचिकाएं दर्ज की गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक के दौरान सर्वसम्मति से बिहार में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया गया था। पहले चरण की जाति जनगणना बिहार में संपन्न हो चुकी और दूसरे चरण की जनगणना अभी जारी है। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है और कहा है कि जाति जनगणना पर अंतरिम रोक नहीं लगाया जा सकता है। भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेन नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने में जुटा हुआ। इसी कड़ी में अब दक्षिणी राज्य केरल को पहले वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिर में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। इसे लेकर तिरुवनंतपुरम से सांसद और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने खुशी जाहिर की है। थरूर ने कहा कि विकास को राजनीति से परे होना चाहिए। जल्दी नेपाल में भारत से पाइपलाइन के जरिए पेट्रोल का आयात शुरू हो जाएगा। भारत और नेपाल के बीच इस साझेदारी से चारों तरफ से जमीन से घिरे इस मुल्क में पेट्रोल की कीमतों में कुछ गिरावट आने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि अभी पाइपलाइन से पेट्रोल की आपूर्ति में कुछ समय लगेगा, लेकिन अगर योजना के मुताबिक काम आगे बढ़ता है तो अगले साल जनवरी से इसे चालू होने की संभावना है। भारतीय इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में लगातार सुधार की दिशा में अग्रसर है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आने वाले समय में इस क्षेत्र में और भी सफलताएं मिलने की संभावना है। संभवतः इस बात को ध्यान में रखते हुए अब दिल्ली सरकार ने भी देश की राजधानी में बिजनेस और सरकार कामकाज की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए करीब 6 दर्जन व्यवस्था और सुधार को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने विभागीय कामकाज को पारदर्शी और आसान बनाने के साथ ही दर्जनों नियमों को समाप्त कर घोषित कर दिया है। यह फैसला दिल्ली सरकार ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत लिया। इस योजना के तहत एक ही झटके में 16 विभागों के 70 नियमों को समाप्त करने की इजाजत विभागीय अधिकारियों को दी है। अब फाइलें और तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने विभिन्न सेवाओं का डिजिटलीकरण पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत ना पड़े।
केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी भी अविवाहित बेटी का मात्र धार्मिक आधार पर अपने पिता से शादी का खर्च पाने से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति अनिल ने नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पीजी अजित कुमार की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की है। हालांकि न्यायालय ने आगे यह भी कहा है कि मात्र शादी के खर्च का अधिकार मिलने से बेटियों को पिता के संपत्ति की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने का अधिकार नहीं मिल जाता है। इसके लिए उन्हें संपत्ति पर दावा पेश करना चाहिए। अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो यह आपको खबर खुश कर देगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यह साफ कहा गया है कि कैपिटल गेन्स पर टैक्स का किसी भी तरह का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। आयकर विभाग की तरफ से किए गए ट्वीट में स्पष्ट कहा गया है कि सरकार के सामने कैपिटल गेन्स पर टैक्स लगाने का किसी तरह का प्रस्ताव नहीं है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डायरेक्ट टैक्स लॉ में व्यापक बदलाव करने की तैयारी में। इस दौरान कैपिटल गेन्स पर टैक्स के प्रावधान में बदलाव किए जा सकते हैं। दरभंगा में बनने वाले एम्स के लिए दी गई जमीन पर गड्ढे की भराई और उसके समतलीकरण के लिए बिहार सरकार ने 309 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 18 अप्रैल को कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया है कि दरभंगा एम्स के 189 एकड़ जमीन पर मिट्टी भराई पर उसे समतल बनाने के लिए 3,09,29,59,000 की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। कैबिनेट की अहम बैठक में आज नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी मिली है। इसके तहत करीब 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। क्वांटम टेक्नोलॉजी में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर जोर होगा। बता दें कि टाटा कंसल्टेंसी, HCL, एम्फेसिस जैसी कंपनियों की क्वांटम टेक्नोलॉजी दिलचस्पी में है। 5G की एंट्री के बाद भारत की सूरत बदलने लगी। एयरटेल 5G प्लस को भारत में 500 शहरों में रोल आउट कर दिया गया है, जबकि जियो ट्रू 5G देश के करीब 400 देशों में उपलब्ध हो गया है। इस रोल आउट का फायदा भारत को मिलते दिख रहा है। ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत की रैंकिंग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ओकाला की रिपोर्ट के मुताबिक 5G सर्विस रोल आउट होने के बाद भारत की मोबाइल इंटरनेट स्पीड में 115% का इजाफा दर्ज किया गया। सितंबर 2022 में भारत की मोबाइल इंटरनेट स्पीड 118 थी, जो जनवरी 2023 में घटकर 69 रह गई थी। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के मिनी रत्न श्रेणी ए के रूप में मान्यता दी गई है। यह दर्जा भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से दिया गया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम की स्थापना 9 सितंबर 2011 को हुई थी। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में नवीकरणीय ऊर्जा योजना और परियोजनाओं के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। निगम सौर ऊर्जा परियोजनाओं के सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। इस समय देश में 63,894 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी इसी की देखरेख में हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना व स्वास्थ्य का अधिकार कानून को कामयाब करने की प्रतिबद्धता जताते हुए बुधवार को कहा कि राज्य में इन दोनों पहलों को कामयाब करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। इसके साथ ही गहलोत ने राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की अधिकांश योजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक न एक दिन स्वीकार करना ही पड़ेगा। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि उनकी सरकार को बने हुए अभी एक साल ही हुआ है, लेकिन राज्य के नागरिकों पर बिना टैक्स लगाए बहुत कुछ ईमानदारी से किया गया है। अब आम लोग ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं। जहां जहां थोड़ी सी भी कर चोरी की गुंजाइश थी उसे समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार कर संग्रह में भारी वृद्धि दर्ज की जा रही है। बिहार के बोधगया में पर्यटन सीजन खत्म होते ही विदेशी पर्यटकों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। बोधगया में अब केवल इक्के दुक्के विदेशी पर्यटक ही दिख रहे हैं। गर्मी बढ़ने के कारण विभिन्न देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी कमी के कारण हवाई सेवा बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में आई गिरावट को देखते हुए गया एयरपोर्ट से म्यांमार के लिए उड़ान भरने वाली इस विमान सेवा की बुधवार 19 अप्रैल को बाद से शेड्यूल रद्द कर दी गई है। भारतीय रेलवे बीमार लोगों के लिए नई ट्रेन शुरू करने जा रहा है। ये विशेष ट्रेन मध्य प्रदेश के रीवा से होकर महाराष्ट्र के नागपुर के बीच चलाई जाएगी। रीवा इतवारी नाम से शुरू होने वाले इस ट्रेन को 24 अप्रैल को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस ट्रेन को सप्ताह में 4 दिन चलाया जाएगा, क्योंकि इससे पूर्व एक ट्रेन सप्ताह में 3 दिन ही चल रही थी। ऐसे में रीवा से नागपुर के लिए ट्रेनों 7 दिनों उपलब्ध होंगी। इससे बीमार लोगों को इलाज के लिए नागपुर जाने में दिक्कत नहीं होगी। इस ट्रेन का मुख्य उद्देश्य बीमार लोगों को सुविधाजनक यात्रा करवाना है। बता दें कि ट्रेन में सामान्य यात्री भी सफर कर सकेंगे। कई कॉरपोरेट कंपनियां ChatGPT के इस्तेमाल से अपने काम को आसान बना रही है। कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी धड़ल्ले से ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब आपको ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि इसराइल स्थित वेंचर फर्म टीम 8 की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि ChatGPT जैसे जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल करने की गोपनीय जानकारी और ट्रेड सीक्रेट जोखिम में डाल सकते हैं। पीलभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी का एक बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में सांसद यह कहते हुए सुनाई पड़े हैं कि जो कभी हमारी चप्पल उठाने की औकात नहीं रखते थे, वे आज 5-5 गाड़ियों में चल रहे, आधा शहर घेर रखा है। इसराइल के इकोनॉमी मिनिस्टर नीर बरकत भारत के दौरे पर आए हुए।
G20 की एक बैठक में शामिल होने के दौरान उन्होंने भारत के आतंकवाद की चुनौतियों से मिलकर मुकाबला करने की बात पर बोलते हुए कहा है कि आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती और इसराइल भारत के साथ मिलकर इस खतरे से निपटने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद सिर्फ एक इसराइली चुनौती नहीं है, यह एक वैश्विक चुनौती है। हम जानते थे हम भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कैसे एक बेहतर दुनिया बनाई जाए। वही ईरान आतंकवादियों की मदद से इसराइल को नक्शे से मिटा देना चाहता है। जम्मू कश्मीर से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को किसान संपर्क अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हमें जम्मू कश्मीर के किसानों को देश में सबसे अमीर बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर और 13 लाख किसान परिवारों की तकदीर बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि किसान संपर्क अभियान से किसानों को एकजुट किया जाएगा, इससे GDP ग्रोथ को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से इसे देख रहा हूं। अब जनसंख्या के मामले में चीन ने भारत को भी पीछे छोड़ दिया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत 142.86 करोड़ लोगों के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने के लिए चीन से आगे निकल गया है। UNFPA के अनुसार चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। UNFPA के स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 जिसका शीर्षक 8 बिलियन लाइव्स इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज द केस फॉर राइट्स एंड टॉयज ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट जारी की है। मोदी कैबिनेट ने फिल्म जगत को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पायरेसी रोकने के लिए आने वाले संसद सत्र में सिनेमेटोग्राफी बिल 2023 लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि फिल्म जगत कलाकारों और प्रशंसकों से जुड़ा हुआ निर्णय लिया गया है। बहुत समय से मांग थी कि पायरेसी पर कुछ किया जाए, इसे लेकर 19 अप्रैल यानी आज कैबिनेट ने अनुमति दी है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बिट्टू कुमार राज, धीरज कुमार महतो, नुन्नू गोलू कुमार, बबली कुमारी, MD साकिर हुसैन, संजय चौधरी, कौशलिन कुमार सिन्हा, लव बैठा, अभिषेक राज, सुरेश ओरम, अंशुप्रिया अकबर अंसारी, त्रिलोक कुमार। अब बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।